श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्धवा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्धवा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परम भक्त, वही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि अगर मैं भगवान का भक्त बन गया तो मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान का भक्त बनना ही अपने आप में परम सिद्ध कार्य है, परम कार्य है, दिव्य कार्य है। और ये श्रद्धा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप करें, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इस मंत्र के जाप की संस्तुति की गई है हमारे शास्त्रों द्वारा। तो जो इस महामंत्र का जाप करता है, उसके हृदय की सारी भौतिक मलिनता, उसकी गंदगी, भौतिक गंदगी, भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान को सरेंडर्ड हो जाता है, समर्पित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने इंद्रियों पर आराम से काबू कर पाता है। उसकी इंद्रियां स्वतः ही संयमित हो जाती हैं। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वो जल्दी ही भगवान के इस दिव्य ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त करता है। उसे पूरी तरह से समझ आ जाता है कि श्री कृष्ण कौन है और वो श्री कृष्ण का क्या है, श्री कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है। धीरे धीरे इन रहस्यों पर से पर्दा अपने आप उठता चला जाता है।